जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है जी? जी मेरा नाम बाबू लीला राम है। अच्छा बाबू लीला राम, मतलब कि आप हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? मेरा ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है और मैं रहीम यार खान से बिलोंग करता हूं। आप रहीम यार से बिलोंग? अच्छा कितने जो हैं वो लोग आए हैं आपकी कम्युनिटी के? हमारी कम्युनिटी के प्लस हमारे मसीह भाई भी शामिल हैं 29 कोचेस पे मुश्तमिल डिवीजन भावलपुर से काफिला जो है वो आज के जलसे में शिरकत की। 4 साल बाद आए मियां साहब, कैसा लगा आपको तकरीर जो आपने सुनी, उससे क्या आप नतीजा अक्स करते हैं कि जो अवाम की तकरीर थी, अवाम की आवाज़ थी या कोई एजेंडा था? नहीं जी, एक ताज़ा हवा का झोंका था। मियां नवाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के गरीब अवाम के दिलों की तर्जमानी की। आज जो उन्होंने एक एक बात की है वो सबकी आवाज़ थी। और महंगाई के हवाले से जिस तरह पिछले 3-4 साल दौर जो गुजरा, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा अच्छे दिन आने वाले। अच्छा मियां नवाज शरीफ ने अपनी दौरे हुकूमत में आप कम्युनिटी को क्या सहूलियात दी? मियां नवाज शरीफ के दौर में हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के और क्रिश्चियन कम्युनिटी के और सिख कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए वज़ाइफ स्कॉलरशिप्स और उनको लैपटॉप तकसीम किए, और उसके अलावा 5% कोटा था और हर महकमे में हमारे जो लोग हैं वो उनको नौकरियाँ मिली। अच्छा आपको कोई पैसे देकर मंगाया गया या आप बेलोस आए हैं? नहीं सर, हम अपनी खुशी से पूरे 29 कोचेस लेके हम मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में यहाँ पे आए। और कब पहुँचे लाहौर? लाहौर हम पहुँचे हैं शाम को तकरीबन 7 बजे। आप पहले भी लाहौर आए हैं या कई दफा आए हैं लाहौर? कई दफा। आज का जो लाहौर का जश्न था वो कैसा? आज पूरे पाकिस्तान के लोग लाहौर पहुंचे हुए थे। आज आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे चारों सूबों से जो उन्होंने आज फैसला सुना दिया मियां नवाज शरीफ के हक में मुस्लिम लीग नून के हक। चलिए बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत शुक्रिया।